गाइज आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला भिंडी। मसाला भिंडी बनाने के लिए मैंने ये आधा किलो भिंडी ली है, इनको धो के अच्छे से सुखा लिया था। इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे, ध्यान रहे पानी रहेगा भिंडी में तो उसमें क्या होता है कि वो चिपकन जो होती है, ग्रीस टाइप जो होता है इसका भिंडी का, वो सब्जी बनाते वक्त आता है जो कि अच्छा नहीं लगता। इसीलिए हमेशा भिंडी को धोकर या तो किसी साफ़ कपड़े से पोंछ लें या फिर इसे धोकर थोड़ी देर रख दें जिससे कि इसका पानी पूरा निकल जाए। तो अब हम इसको करते हैं, जैसे मैं इसको चॉप कर रही हूँ इसी साइज़ में हम इसे चॉप करेंगे, इसी तरीके से सबको चॉप कर लेंगे। अभी पूरी भिंडी बची हुई है, ये मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल की कर ली है अपनी भिंडी इस तरीके से चॉप। अब हम करेंगे अपनी तड़के की तैयारी। साथ ही मैंने ये भिंडी चॉप करने के साथ मैंने कर लिया है अनियन को इस तरीके से स्लिट। मैंने इसका पील ऑफ करके वॉश करके इसको स्लिट किया है। बाकी का प्रोसेस अभी हम पहले रख देते हैं चूल्हे पे कढ़ाई। कढ़ाई में चढ़ा दिए तेल, ये मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ और सब्जी में तो मैंने मस्टर्ड ऑयल ही लिया है थोड़ा सा। और गैस की और मैंने अभी फुल फ्लेम पे, और इधर मैंने ले लिया है 1 teaspoon ज़ीरा एंड पिंच ऑफ हींग, अगेन आप देख ही सकते हैं एवरेस्ट का हींग। और ये डालेंगे, हमारे पास जो है अनियन ऑलरेडी स्लाइस्ड में रखा हुआ है। उसके बाद डालेंगे हम अनियन। सर्दियों में आप मतलब गार्लिक सब्जियों में यूज़ करते होगे, बट भिंडी में गार्लिक की ज़रूरत नहीं होती है तो अनियन ही डालते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग वैसे भी गर्मी में शूट कर रहे हैं, ये मौसम की भिंडी है, बढ़िया सीजनल वेजिटेबल है। तो अभी फ़िलहाल तेल को गर्म होने देते हैं, उसके बाद डालेंगे इसमें ज़ीरा। इतना ऑयल हीट हो रहा है, हमने पूरा सामान रेडी कर लिया है, हींग ज़ीरा और ये स्लाइस किए हुए अनियंस भी रखती हैं, रेडी हैं बिल्कुल। अब हम ले लेते हैं हरी मिर्च, जो कि ऑप्शनल, अगर आप तीखा नहीं खाते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और भिंडी में मोस्टली लोग, मैंने देखा है कि अनियन ही डालते, टमाटोज़ नहीं डालते, बट टमाटोज़ डाल के एक बार ट्राई कीजिएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं टमाटोज़ डालती हूँ तो हम तो इसमें डालेंगे टमाटोज़। तो अभी मैंने 2 टमाटर लिए हैं आधी किलो भिंडी के लिए, और ये लिए हैं हरी मिर्च क्योंकि मैं बना रही हूँ भिंडी मसाला जिसमें कि अच्छा स्पाइसीनेस टेस्ट अच्छा आएगा, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है। तो इसको कर लेते हैं फटाफट से चॉप। हमारा ऑयल जो है धुएं उठने लग गया, अच्छे से हीट हो गया है। ये हमने डाला ज़ीरा और ये हींग। अब हम इसी में डाल देंगे ये प्याज। प्याज भी हमने डाल दिया है, अब इसको बस चलाएंगे हम। प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट रखेंगे। ये देखिए इसको कंटिन्यू चलाते रहिए, इतना हमारी प्याज भुन रही है फटाफट से। हम ये चॉप कर लेते हैं टमाटोज और हरी मिर्च, क्योंकि मैंने आपको बताई है प्याज की भुनने का वेट करते हैं। अब फटाफट करते हैं ग्रीन चिली और टमाटोज को चॉप। हमारी हरी मिर्च और टमाटर भी हमने कर लिया अच्छे से चॉप, और इधर हमारी अनियन जो है ट्रांसल्यूसेंट फॉर्म में आ चुकी है, आप देख सकते हैं। मैं एक बार इसको चला के दिखाती हूँ आपको। इसको कंटिन्यू स्टर करते रहें, क्योंकि इससे क्या होगा कि प्याज जलेगी नहीं हमारी और अच्छे से भून जाएगी जिस तरीके से हमें चाहिए। देखिए प्याज बहुत अच्छे से भून चुकी है हमारी सॉफ्ट होने तक, और बस ट्रांसलूसेंट पकाने हैं इसको। और ये देखिए अब हम इसमें डाल रहे हैं ये ग्रीन चिली और टमाटोज, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डालने की ट्राई करते हैं थोड़े स्पाइसी, ये मेरा पिंक सॉल्ट का बॉक्स, और ये हल्दी, ये मिर्च और धनिया पाउडर। जैसा कि मैं कोई भी सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं डालती हूँ, आपके सामने सब्जी बना रही हूँ, जो मसाले डालूंगी इसी में डालूंगी। अगर आप मसाला अच्छे से भूनते हैं तो कलर उसी मसालों से आ जाता है। बस कहना मेरा हमेशा एक ही रहता है कि विद स्माइल और दिल खोल के बनाइए, दिल खोल के खिलाइए, सब्जी में स्वाद अपने आप आ जाएगा। देखिए ये मैं पिंक सॉल्ट डालती हूँ, आप नॉर्मल ऑर्डिनरी सॉल्ट डालते तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए। पिंक सॉल्ट जो है यानी कि सेंधा नमक, हमेशा ऑर्डिनरी सॉल्ट से थोड़ा कम लगता है, हमारे घर में कम ही खाया जाता है सॉल्ट ड्यू टू बीपी प्रॉब्लम, तो इसीलिए मैं कम ही रखूँगी नमक को। अब डाल लेंगे इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च, पंजाबी हैं भाई स्पाइसी तो खाएंगे। और ये हल्दी ली है मैंने 1/2 teaspoon, ये भी डाल देंगे। धनिया पाउडर तो भर के भाई खुशबू आनी चाहिए, 1 teaspoon फुल ये गया इसके अंदर। हरी मिर्च भी डाली थी इसमें, लाल मिर्च में कितनी रखेंगे, वैसे भी लाल मिर्च धनिया पाउडर ये मैं हल्दी ही पीसती हूँ तो प्योर होता है, तीखी होती है मिर्ची भी।
एंड मसालों की खुशबू भी अलग ही होती है। ऐसा हल्दी बाहर से लेकर आते हैं, ये देखिए अभी से कलर आने लग गया। और अभी टमाटर मैश करेंगे हम इसी मसाले में, मसाला जब तक भुनेगा साथ में इसको चलाते चलाते टमाटर मैश करते रहेंगे। इस प्रोसेस में हमें लग जाएंगे 4 से 5 मिनट। बहुत ही क्विक रेसिपी है ये, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा घर पे, देखिए। और बहुत ही टेस्टी बनती है, घर में सबको बहुत पसंद आएगी, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी से। पसंद आए तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर पसंद आए तो। और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप सबके लिए लेकर आती रहूँगी ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ की वीडियोज़। देखिए ये देखिए कितनी जल्दी टमाटोज मैश होना स्टार्ट हो गया। तो अभी हम इसको 3 से 4 मिनट और पका लेंगे, फिर मिलते हैं। टमाटर कितने अच्छे से भून के रेडी हो चुका है बिल्कुल बढ़िया से, ये टमाटर भी एकदम मैश हो चुके हैं। इसमें आपको टमाटर का सिर्फ फ्लेवर आएगा, टमाटर कहीं भी साबुत नहीं दिखेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, खुशबू तो आप महसूस नहीं कर सकते, मैं आपको बता रही हूँ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मसाले से अब हम डाल देंगे इसमें ये भिंडी जो हमने चॉप करके रखी हुई थी। और जिसकी भी आपको जिस चीज़ की रेसिपी चाहिए मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आपको वो रेसिपी वीडियो शेयर करने के लिए। बाकी आपका सपोर्ट और आपका प्यार मिलता रहेगा, मैं और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस आप सबके लिए लेकर आती रहूँगी। ये देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि भिंडी में पानी का तो कोई यूज़ होता नहीं है, तो इसे स्टीम में ही पकाना पड़ेगा। इसको अच्छे से चला के इसे सिम गैस पे पकाएंगे हम, ये ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 10 से 15 मिनट में ही हो जाती हैं। इसको लिड लगा कर अच्छे से पकाते हैं, बीच में एक बार चेक कर लेंगे, एक दो बार चेक करते रहिएगा नीचे ना लग जाए। ये हमने ऑयल भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, आप देख सकते हैं तो नीचे लगने का चांस होता है सब्ज़ी का। बाकी जिसके घर में ज़्यादा यूज़ होता है वो ज़्यादा खा सकता है, बट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, तो मैं तो कम ही यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए अभी से ही कलर कितना अच्छा आ रहा है सब्ज़ी में, तो अभी ये हम पकने के लिए छोड़ देते हैं लिड लगा के, इसको देख लेंगे चेक कर लेंगे 5 मिनट बाद। सो गाइस देखिए 5 मिनट बाद हमारी भिंडी कुछ इस तरीके की दिखती है। इसे चलाने के लिए हमने लिड हटाई थी, इसको हम मीडियम फ्लेम पर या लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है ऑर्डिनरी उससे, बट पकती बहुत अच्छे से सब्जी सिम गैस या मीडियम फ्लेम पर। देखिए कलर खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ही लाजवाब बनेगी इस रेसिपी से भिंडी बनाकर, देखिएगा ज़रूर। ये देखिए आई होप आपके मुँह में भी पानी आ रहा होगा। चलिए इसको ढककर रख देते हैं अभी और 5 मिनट के लिए, उसके बाद हो जाएगी हमारी भिंडी रेडी। आप देख सकते हैं हमारी भिंडी बनकर हो चुकी है बिल्कुल रेडी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब इसे हम करेंगे सर्व फुलकों के साथ, चलिए मिलते हैं सर्विंग पे। ये बन गया हमारा फुलका भी, फुलके बन के हो गए रेडी, लगाया इसको घी। और अब हम कर रहे हैं हमारी भिंडी मसाले की सब्जी सर्व। आप भी एक बार ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। और पसंद वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।